साथियों नमस्कार। हम सभी लोग पीएससी वाले अभी असमंजस की स्थिति में हैं कि आयोग ने कौन से प्रश्न के प्रश्नों के उत्तरों को ठीक किया है, कौन से प्रश्नों को वो हटाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही है। और जो सबसे बड़ी समस्या है पीएससी की, वो आप और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और जो प्रश्न आते हैं वो इतने विविधता भरे प्रश्न आते हैं जिसमें सभी पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले बच्चों को तुक्के मारने पड़ते हैं। उसी को लेकर भोपाल के एक समाचार पत्र में जो न्यूज़ संपादित हुई उसके संदर्भ में ये वीडियो है। आप लोग जरूर पढ़ें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं ताकि पीएससी तक ये बात पहुंच पाए कि या तो वो नेगेटिव मार्किंग लागू करे ताकि तुक्के वाले लोग पीएससी से हट गए, जो योग्य व्यक्ति वो पीएससी लिखे। सबसे पहले पीएससी इस साल डिलीट कर रहा प्रारंभिक परीक्षा के पूछे गए प्रश्न, इस साल भी हट सकते 4 सवाल जिन पे विवाद है, जैसे आगे देखेंगे अपन इस बारे में। और अगली चीज जो पीएससी की सबसे बड़ी समस्या है, अनुमान आधारित सवाल पूछ रहा आयोग, तुक्के लगाकर कोई भी पास हो सकता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा के द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को लेकर उठा विवाद बढ़ने लगा है। 2014 से 2017 तक आयोग को हर वर्ष प्रारंभिक परीक्षा के पेपर के सवालों को डिलीट कर रिजल्ट तैयार करना पड़ा है। आयोग ने 2014 में 3, 2015 में 5 और 2016 में 1 प्रश्न डिलीट कर रिजल्ट घोषित किया था। इस साल भी परीक्षा में पूछे गए सवाल में से 4 को डिलीट करने की स्थिति बन रही है। इस वीडियो का उद्देश्य यही है साथियों कि आप लोग जो हैं इस वीडियो को शेयर करें, आगे के लोगों तक भिजवाएं ताकि क्या पीएससी तक भी हम लोगों की आवाज़ पहुंच पाए। परीक्षार्थियों को सीधा आरोप है कि आयोग का एक फॉर्मेट ही गलत है। आयोग अनुमान आधारित सवाल पूछ रहा है, तुक्के लगाकर कोई भी पास हो सकता है। इस साल आयोजित परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों ने गुरुवार को पेपर में गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत भी दर्ज की है। और एक विशेष बात बताना चाहूंगा आपको मित्रों, अगर आप 2014-13 उससे के आसपास के आंकड़े देखेंगे तो पीएससी में लगभग 4 लाख इससे ऊपर फॉर्म आते थे, और विगत 3 सालों में इसमें परीक्षार्थियों की संख्या 2 लाख के आसपास ही रह रही है, और इस साल भी लगभग 1,83,000 के आसपास ही आवेदन आए। तो पीएससी में इतने कम आवेदन होने का भी एक बहुत बड़ा कारण पेपर जो है उसकी स्थिति और प्रश्न पूछने का जो प्रकार है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं लाना है। विशेषज्ञ की टीम चेक कर रही है आपिता। उधर आयोग ने उसी तरह से हमेशा की तरह मॉडल आंसर की जारी करी और बताया कि भाई ये एक रूटीन प्रक्रिया है और आंसर की को लेकर विवाद उठते हैं। 100 प्रश्नों में भी इनको बड़ी समस्याएं आ रही है, विवाद उठ जाते हैं। और डिप्टी सेक्रेटरी श्रीमान दिनेश जी जैन के अनुसार प्रोविजनल मॉडल आंसर की के उत्तर आधार पर जो आपत्ति आती है उसे आयोग विशेषज्ञों के सामने रखता है और उन आपत्तियों को चेक करके दूर करते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाती है। ये एक प्रोसेस है पीएससी की और होनी भी चाहिए ऐसी प्रोसेस, लेकिन मानवीय भूले तो निश्चित है, लेकिन जो त्रुटियां पीएससी कर रही है शायद उन पे वो गंभीर समस्या पर अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और प्रश्न सेलेक्ट करने के लिए ऐसा तरीका रहता है कि आयोग के अधिकारियों के अनुसार परीक्षा के लिए अलग अलग विषयों के 4 से 5 विशेषज्ञ कई प्रश्न तैयार करते हैं, इसके बाद सभी प्रश्नों को एग्जाइट करके रेंडम तरीके से पूछा जाता है, फिर प्रश्नों के सेट बनाए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया में आयोग का कोई भी अधिकारी प्रश्नों को नहीं देखता है। अधिकारियों का कहना है कि आयोग का काम केवल परीक्षा कराना है, पेपर विशेषज्ञों द्वारा तैयार कराए जाते हैं। साथियों इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें, और इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य यही है कि पीएससी तक हम लोगों की आवाज पहुंचेगी, वो पेपर में या तो नेगेटिव मार्किंग लाए ताकि तुक्के वाले विद्यार्थी जो है वो दूर हो और जो योग्य है वो इस चीज से अपने परिश्रम को आगे बढ़ा पाए। धन्यवाद साथियों।